अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे जो मुख्य गांव है सेमा बरदार, वहाँ साथ में हमारे भाई लोग, बड़े भाई विष्णु जी, नितिन भाई, राहुल भाई। अभी हम सड़क मार्ग में हैं और इसके बाद यहाँ इस जगह से, अभी दिखाई नहीं दे रही है जगह, इस जगह से सीढ़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ से रास्ता शुरू होता है हमारे गांव जाने का पैदल रास्ता। तो करीब करीब 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई का रास्ता है, जंगल के बीचों बीच चीड़ के घने जंगल। अभी हम लोग आ चुके हैं सड़क मार्ग से, लगभग 500 मीटर उकाल हम चढ़ चुके हैं, 500 मीटर चढ़ाई। और ये जो जगह है यहाँ पर चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल समतल है, इसका नाम है पुरानी सड़की। नीचे इस तरफ आप देख सकते हैं, नीचे लस्तर नदी का सुंदर सा नज़ारा है। ये बिल्कुल एस बनता हुआ इंग्लिश का। इस तरफ ये जो सड़क के किनारे गांव दिख रहा है, यहाँ पर हम रुके हुए हैं और यहीं से अभी हम पैदल आ रहे हैं। नीचे हरे भरे धान के जो खेत हैं, आजकल रोपाई हुई है तो ये धान के खेत हैं सारे। ये बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता आता हुआ, इस रास्ते का नाम है पुरानी सड़क। अभी जिस जगह पर हम हैं, इस जगह का नाम है घोड़ी पीठी। आजकल थोड़ा बरसात का सीजन है तो झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रखी हैं, वरना ये जहाँ पे घास दिख रही है आपको बिल्कुल प्लेन हुआ करता है, फील्ड की तरह। यहाँ पे थोड़ी चकोर, मतलब फील्ड नुमा जगह है। किसी टाइम हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे इस जगह पे। बिल्कुल समतल जगह है, आजकल थोड़ी बरसात के कारण काफ़ी घास वगैरह हो रखी है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जगह का नाम है घोड़ी पीठी। बाकी हमारे साथ के जो बाकी साथी हैं चढ़ाई चढ़ते हुए ऊपर, नितिन भाई, राहुल भाई, साथ में इधर से विष्णु भाई, ये मेरे पीछे आप लस्तर नदी का सुंदर सा नज़ारा देख सकते हैं। इस नदी के ठीक पीछे हमारा एक और गांव है कंथार, वहां भी हमारे खेत हैं, गांव है, और भी गांव का पार्ट है, मतलब मेन गाँव तो हमारा ऊपर है जहाँ हम जा रहे हैं। वहाँ से भी आपके साथ कुछ वीडियोस शेयर करेंगे। मेरे साथ है हमारे भाई लोग। हम लोग आ चुके हैं, करीब करीब 1.5 किलोमीटर चढ़ाई पार कर चुके हैं और अभी भी हमें काफ़ी चढ़ाई चढ़नी बाकी है। करीब करीब आधे से थोड़ा कम हम लोग आ चुके हैं गांव के दुर्गम पहाड़ी रास्ते। अभी हम आ रहे हैं, ये है थाला, इस रास्ते को बोलते हैं थाला, और ज़्यादातर लोग इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हैं गांव आने जाने के लिए। अच्छा रास्ता है, खुला चौड़ा, और ये जो समतल सी जगह आप लोगों को दिख रही है, ये है थाला। ये विश्राम गृह है एक तरीके का, लोग जब भी बाजार से आते जाते हैं तो यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं कुछ देर अपनी थकान मिटाने के लिए। बड़े आनंद की अनुभूति होती है यहाँ पर, चारों तरफ घास, चीड़ के छोटे बड़े पेड़, तो ये एक विश्राम गृह है यहाँ पे। जब भी लोग अपनी यहाँ पर थकान मिटाने के लिए कुछ देर बैठ जाते हैं। अभी हम लोग काफी आगे आ चुके हैं, ये है सेकेंड विश्राम अड्डा। यहाँ पर भी लोग थकान मिटाने के लिए कुछ देर बैठ जाते हैं, बाजार से जब भी आते हैं या कहीं से भी आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ देर थकान मिटाने के लिए विश्राम करते हैं, क्योंकि चढ़ाई के रास्तों में बहुत ज़रूरत होती है कि आपको कुछ देर के बाद थोड़ा विश्राम करना ही पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी रास्ते काफ़ी दुर्गम होते हैं,
चढ़ाई चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लगती है। ये कुछ इस तरीके का नज़ारा हमारे आसपास, पीछे पेड़ गिरा हुआ है और ये नीचे जहाँ से अभी हम आ रहे हैं, ऐसा नज़ारा। बिल्कुल सवेरे के 8 बज रहे हैं अभी और मौसम अच्छा है, लेकिन चढ़ाई चढ़ते चढ़ते शरीर में जो तापमान है शरीर का बढ़ जाता है, गर्मी लग जाती है। यहाँ पर रास्ते में टोल प्लाजा, यहाँ से आगे आने के लिए टैक्स कटता है पहाड़ी रास्तों का, और ये एक मिनी टोल प्लाजा। यहाँ पर बरसात में हवा में पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, तो बिल्कुल टोल प्लाजा की तरह वो पहाड़ी रास्तों में तत्पर। हमारी आगे की यात्रा फिर से प्रारंभ। अभी ये जो जगह है इसका नाम है बजरी की खाड़ी, बजरी की खाड़ी, बजरी रेता जिसको बोलते हैं। तो ये जो जगह यहाँ पे दिख रही है, किसी टाइम में लोग यहाँ से बजरी निकाला करते थे, बजरी की खान है ये। अब तो कोई नहीं निकालता है, पर पहले यहाँ से बजरी ले जाते थे लोग घर भर बनाने के लिए या किसी काम के लिए। इस तरफ मेरे देख सकते हैं आप सुंदर सा नज़ारा जंगल का, हरा भरा बिल्कुल। अब ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी थोड़ा समतल सा है और इसका नाम है मल्ली थाला। एक थाला आप लोगों को नीचे भी दिखाया था और ये सेकंड थाला है, इसको बोलते हैं मल्ली थाला। मल्ली बोलते हैं गढ़वाली में ऊपर के लिए, तो ये ऊपर वाला थाला है। और अभी हम लोगों को ऊपर जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है उधर के लिए जाना है। पहाड़ के रास्ते काफ़ी दुर्गम होते हैं, इसलिए इन पे बिल्कुल संभल के चलना पड़ता है, काफ़ी पतले भी होते हैं, कहीं पे संकरे मार्ग होते हैं और एक एक स्टेप आप लोगों को संभल के रखना पड़ता है, क्योंकि जरा सी असावधानी से बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। नीचे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बिठा ब्याल, पैर फिसला और सीधे नीचे, कहीं अटकने का भी नहीं। बकरियां चढ़ती हुई जंगलों में, अभी हम करीब करीब 75% चढ़ाई चढ़ चुके हैं। ये नीचे जो आपको इस तरफ ये यहाँ पे मकान दिख रहे हैं, सड़क दिख रही है, यहाँ से हम लोग पैदल आ रहे हैं। अभी जो सड़क से मैंने पहली वीडियो शेयर की थी वो दरी की थी नीचे की, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी चढ़ाई चढ़ के अभी हम इतनी ऊपर आए हैं। और सवेरे की मतलब 8:30 बज रहे हैं, मौसम भी अच्छा है, ठंडा है, फिर भी पसीने के जो है लड़के तड़के इतने लगे हुए हैं, क्या बताएं। गर्मी से शरीर का तापमान बढ़ जाता है चढ़ाई चढ़ते हुए। ये कुछ इस तरीके का नज़ारा, ये रास्ता जहाँ से हम आए, पीछे कोहरा लगा हुआ। ये जो कांटेदार पौधे दिख रहे हैं इनका नाम है पतंगवार। स्कूल के टाइम में हम इनके पत्तों में नाम लिखा करते थे और वो नाम जो है कई सालों साल तक ऐसे ही रहते थे, अभी भी कुछ नाम होंगे इनमें। मैं भी बात कर रहा था इन पे नाम लिखते हैं, तो ये किसी ने खोद रखे हैं नाम, इस तरीके से नाम लिखे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ पवन नितिन, साफ साफ पता नहीं कितने साल पहले का लिखा हुआ, ये अभी तक बिल्कुल वैसे ही अमिट, जब तक ये शाखा इस वृक्ष की रहेगी तब तक ये नाम अमिट रहेगा। और ये इस तरफ मेरे पीछे मंदिर है यहाँ पे माँ दखन काली का, और ये बिल्कुल आम के पेड़ के नीचे, ये आम का पेड़ और इस पे घंटियाँ बंधी हुई मंदिर की। मेरे साथी यहाँ पर अपनी थकान मिटाते हुए, और बाकी का रास्ता इस तरफ ऊपर, गांव हमारा बिल्कुल ऊपर है अभी, मतलब अभी 20-25% चढ़ाई बाकी है। ये माँ दखन काली का मंदिर है यहाँ पर, और पहाड़ी रास्तों में आपको लगभग हर जगह ऐसे मंदिर मिलेंगे जगह जगह पे, तो इस जगह पर आने का एक अलग ही सुकून है। पहाड़ी रास्ते काफ़ी दुर्गम होते हैं, काफ़ी
कभी कभार आने जाने में रात हो जाती है, तो जंगल के रास्ते होते हैं। तो इस जगह पर पहुँच कर जो भी यात्री है, जो भी पैदल आ रहा है रास्ते में, काफ़ी अस्वस्थ हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि माँ दखन काली जो है इस क्षेत्र की रास्तों की रक्षक देवी है। और जो भी हमारे भक्तगण हैं यहाँ पे माता के, उनकी रक्षा करती है। एक छोटा सा पिठवा बैग है जिसमें पूजा का सामान रखा हुआ है। तो पहाड़ी रास्ते चढ़ने में काफ़ी दुर्गम होते हैं, तो इसलिए हमने बारी लगा रखी थी नीचे सड़क से कि कुछ दूरी पर मैं इसको लाया, फिर हमारे बड़े भ्राता श्री इस बैग को लाए हैं, फिर छोटे भ्राता श्री लाए हैं, और अब ये बैग आ गया हमारे नितिन भाई के पास। तो इस तरीके से थकान भी मिट जाती है और बोझ का भी पहाड़ी रास्ते में पता नहीं चलता है। मिल बांट कर जो है पूजा शेयर करते हैं। और अभी हम पहुंच चुके अपने गांव में, ये नरसिंह देवता का मंदिर, इस तरफ माँ देवी, और ये क्षेत्र रक्षक क्षेत्रपाल भगवान। अरे वो जा रहे देख तू अच्छा सेल्फी नहीं ले रहा हूँ, खड़े मत हो, वीडियो ले रहा हूँ। ये हमारे धारे का आम, धारा दिखा दो यार, ये धारा और ये धारे का आम, धारे का आम का पेड़ लगभग 800 पुराना पेड़ है। आगे से दिखा, और पेड़ इसमें दिख नहीं रहे आम, लेकिन आम बहुत सारे आ रखे हैं। दीदी इसी का आम है, बहुत मीठा रसीला आम है। छेड़ क्या रहा है ये देखो हमारा दारा। ये है क्या ये मेरे पे नीचे तो पेड़ ना है क्या वो डिजाइनदार चीज है।